आमेन। फिर से लॉर्ड परमेश्वर आज आपको आशीष करे, और मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। यदि आप चंगा होना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हो उसकी ब्लेसिंग को पाना, तो आपके ऊपर उसकी ब्लेसिंग जरूर आएगी, आपके ऊपर उसकी चंगाई जरूर आएगी, क्योंकि वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो जिसको भी देखता था उसे देख करके वो दुखी होता, वो तरस खाता और उसे चंगा करता। हालेलुया। परंतु इससे पहले कि वो चंगे होते, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना 5वां अध्याय, और यहाँ पर एक बात लिखी है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम को गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो थे यरूशलेम को गए, और वहां पर यरूशलेम जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा करना शुरू किया। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह जगह जगह जाके प्रचार करते थे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोलेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। एक बार जोर से बोले हालेलुया, और बोलेंगे प्रभु तेरी महिमा हो। यरूशलेम को गया, भेड़ फाटक के पास एक व्यक्ति था जो बीमार पड़ा हुआ था और बहुत वर्षों से वो जूझ रहा था। हो सकता है आज आप भी बहुत सारे वर्षों से जूझ रहे हो सकता है बहुत सारे वर्षों से आज आप भी परेशानी में जूझ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु यीशु मसीह कुछ आज कहना चाहता है, अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो। हालेलुया, अगर आप चंगे होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस व्यक्ति के पास गया जो लाचार था, उस व्यक्ति के पास गया जो लाचार था, जो मजबूर था, जिनके पास आशा नहीं रही, जिनके पास दिक्कतें आ गई थी, जो यीशु मसीह उनके पास जाके एक बात कहता है। आइए यहां पर देखेंगे क्या कहता है। 6 पद में लिखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जानकर कि वो इस दशा में बहुत ही दिनों से पड़ा हुआ है, उससे पूछा क्या सी बात, बहुत ही अच्छी सी बात। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जॉर्ज भाई आपकी कॉल कनेक्ट हो रही है, चेक कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगा किया जिन लोगों ने यीशु की ओर देखा, जिन लोगों ने चंगा होना चाहा। प्रभु यीशु मसीह ने, हेलो जॉर्ज भाई, प्रेज द लॉर्ड। कॉल कट गया है आपका। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद नाम में। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के पास आया जो लाचार थे। अगर आप लाचार हो गए हैं, अगर आप बीमारी में हैं, समस्याओं में हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके पास आएंगे। यीशु मसीह आपके पास आएंगे और वो कहेंगे कि क्या तू चंगा होना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर पाश्चाती हरु जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आज के विषय क्यों हम प्रीच कर रहे हैं कि लोग चंगे कैसे होते। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर खुद चंगा कर दे, परंतु जब तक यीशु मसीह का निमंत्रण वो ग्रहण नहीं करेंगे। यीशु ने कहा 5वें अध्याय में यूहन्ना के, क्या तू चंगा होना चाहता है। आज लोग चंगे होना तो चाहते हैं परंतु डॉक्टर के द्वारा, आप लोग चंगे होना तो चाहते हैं परंतु और अन्य माध्यम के द्वारा। परमेश्वर चाहता है कि वो उसकी आवाज को सुने। जिन्होंने उसकी आवाज को सुना, आपको पता होगा प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया उनसे पूछा, हमेशा पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उसके पास कोढ़ी आए और कोढ़िया से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। एक स्त्री आई और एक स्त्री जो यीशु को छू के चंगी हो गई, वो पहले से तैयार होके आई अपने मन में, उसने यीशु के लिए बना लिया था कि मैं चंगा आज ही हो जाऊंगी। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते तू चंगा होना चाहता है, परंतु ये व्यक्ति और भी बातें बता रहे, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, आप हो सकता है असहाय है, परंतु यीशु आपके साथ खड़े होके आपसे बात कर रहा है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आज आपसे कहना चाहता है, क्या तू जिस दशा में पड़ा हुआ है, जिस बीमारी में पड़ा हुआ है, जिस समस्या में पड़ा है, क्या तू उससे निकलना चाहता है। अगर आपका उत्तर हां में है तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहते हैं। हालेलुया, मैं आज आपको कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह दयालु है और वो आपको चंगा करेंगे। यीशु मसीह ने हर एक को
जो भी उसके पास आए, कोई भी ऐसा नहीं था जो चंगा होके नहीं गया। यीशु मसीह ने हर एक को चंगा किया, हालेलुया। अगर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ यीशु के पास से गया है तो वो अपनी कमी से गया है। लोड, एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, वो कहता है मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, परंतु उसे अनंत जीवन नहीं मिला। कारण क्या था? यीशु मसीह ने उसे कहा, यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू सबको छोड़ के मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। परंतु उसने यीशु मसीह के सामने अपने धन को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपने सारी बातों को प्रिय जाना, इसीलिए वो व्यक्ति वापस चला गया और वो अनंत जीवन जो यीशु मसीह देना चाहते हैं उसको वो उसने छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु तो देना चाहते हैं अनंत जीवन, पर बात यह है कि वो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहता। आज परमेश्वर की आवाज मेरे और आपके लिए, जो बीमार है, जो समस्याओं में है, जो पीड़ाओं में, जो चंगा होना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज भी कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू छुटकारा पाना चाहता है? अगर हमारा जवाब हां में है तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। यीशु मसीह उससे, वो क्या कह रहा है यीशु मसीह से, कि मेरे पास कोई नहीं कि मैं पानी में जाऊं और पानी में जाके इससे पहले मैं जाऊं तो कोई और उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है और मैं वापस आ जाता हूं। और इसका मतलब ये व्यक्ति कुछ तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोल रहा है। यहां पर वचन क्या कह रहा है? यहां पर वचन में लिखा, वो कहता मेरे जाने से पहले कोई और आ जाता है, वो चलता है परंतु अपनी दशा में फिर से वापस लौट आता है। कई लोग क्यों चंगे नहीं होते? वो प्रभु के पीछे चलते हैं, फिर से वापस उसी जगह चले जाते हैं जहां से वो निकले थे, फिर उसी गंदगी में जाते हैं, उसी समस्याओं में जाते हैं, उसी पीड़ाओं में जाते हैं और चंगाई बरकरार नहीं रह पाती। हालेलुया। यही कारण है, यही कारण है कि लोग जो पीछे हट जाते, बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो प्रभु के पीछे चलने से, जो चंगाई के लिए आए तो थे परंतु उन्हें चंगाई नहीं मिली, जो चंगाई के लिए आए तो परंतु चंगाई नहीं लेके गए, खाली हाथ वापस चले गए। कारण क्या है? क्योंकि वो पीछे लौट जाते, बैक हो जाते हैं। ये व्यक्ति कहता है मैं चंगा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं हर साल जब पानी में जाता हूं और मेरे से पहले कोई और कूद जाता है, मेरी हिम्मत टूट जाती है और मैं वापस चला जाता हूं। इसीलिए हर एक वो व्यक्ति जो बार बार पीछे हो लेता है, जो बार बार कभी यीशु के पीछे, कभी डॉक्टर के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, वो व्यक्ति चंगा नहीं हो सकता। इसलिए यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। वो कहता मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आज बहुत सारे लोग ऑफिसों में काम करते हैं, बहुत सारे लोग जगह जगह काम करते, बैठ के काम करते, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक ही बात आपको और मुझसे कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह चंगा करना चाहते हैं। जैसे उस यीशु ने उसे बातें की और उसने फिर से यीशु से बातें की, तो यीशु ने जैसे उससे कहा खाट उठा और अपने घर चला जा, जैसे उसने यीशु की बात सुनना शुरू किया वो खाट उठा के अपने घर चला गया। आप चंगे हो सकते हैं जब आप यीशु मसीह की बात सुनेंगे। हालेलुया। मैं आज आपके लिए भी दुआ करूंगा, बहुत सारे प्रार्थना निवेदन आए हैं उनके लिए दुआ करूंगा, फिर आपके लिए दुआ करूंगा। मैं कहना चाहता हूं आज ग्रेस बहन का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और निमी मैसी की बेटी है, बिल्कुल ठीक हो गई, प्रभु ने उसे चंगा किया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी सारी बीमारियां चली गई हैं, वो धन्यवाद देती हैं प्रभु का। पाकिस्तान से एक हस्बैंड और वाइफ है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो विश्वास करते हैं, उनका वीजा नहीं लग पा रहा था और उनका वीजा लग गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आइए हम दुआ करेंगे इन सारे लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना निवेदन आई है, और उसके बाद आप भी प्रार्थना निवेदन भेजिएगा, मैं प्रार्थना करूंगा। एमडी मोनिका, जो परमेश्वर पिता इस समय फुल बॉडी इचिंग से प्रॉब्लम में है, पिता परमेश्वर उनकी बॉडी में खुदा यीशु मसीह इचिंग है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल चंगी हो जाए। पिता मोजेस जोजो के बेटे
करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो कि हॉस्पिटल में है प्रभु पिता परमेश्वर, उनका ब्लड चेंज किया जाता हर बार, और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए प्रभु जी। स्वेता हैरी के बेटे के सामर्थ की पढ़ाई के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। असीन के लिए दुआ करते हैं, असीन अब्दुल के लिए, उनके हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। दशरथ बारला के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रभु। बरखा राजपूत के लिए शुगर की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, और उनके भाई राहुल जो है ड्रिंक करते हैं परमेश्वर पिता। रोजलिन अजमत के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। खुदावंद यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं सुमंत अबेरा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके फाइनेंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं सुमेला के लिए, सुमेला नार्जरी के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए प्रभु जी। ललिता थापा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है प्रभु जी। नाइस बासु मात्रे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी रिलेशनशिप में गड़बड़ है, उनके फाइनेंस के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु। ग्रेस जोजब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे के लिए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता सावियो जोजब के लिए, उनकी बेटी नीलोफर जोजब के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता वर्षा के लिए परमेश्वर, वर्षा भवानी के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में वो आगे बढ़ना चाहती है प्रभु जी। पिता परमेश्वर सत्येंद्र तिवारी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को तेरे सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं नवीद के लिए, नवीद बरकत के लिए परमेश्वर, जिनकी पर्सनल प्रार्थनाएं हैं उनको सुने। रेखा सिंह के कानों में बहुत कम सुनाई देते, दोनों कान बंद हो गए प्रभु, वो खुल नहीं पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई आ जाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं राइस सफी के लिए परमेश्वर, उनकी मम्मी के लिए जिनको स्टोन है और कैंसर की बीमारी भी है प्रभु, यीशु के नाम वो चंगे होने पाए। हालेलुया। पेरुमाही के लिए दुआ करते हैं, पेरुमाही सेंड्रेला के लिए परमेश्वर, उनकी पत्नी के खून में जो इन्फेक्शन है प्रभु वो चंगा हो जाए, जॉइंट पेन यीशु के नाम में जाते रहे प्रभु जी। डेविड की आंटी के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, उनको फुल बॉडी में खुजली है परमेश्वर पिता, इन्फेक्शन है यीशु के नाम में वो चंगी हो जाए पिता। लक्ष्मी की ड्यूटी के लिए प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी बहन के लिए उनकी ड्यूटी पर सारी समस्याएं प्रभु आ रही है प्रभु यीशु के नाम में, वो वहां से आजादी पाए पिता। प्यारी टोपो के परिवार को हम तेरे खून में छिपाते प्रभु। नूतन मिंज के लिए दुआ करते हैं, उनके पापा मम्मी के लिए प्रभु, वो परमेश्वर जसमान के लिए परमेश्वर सब बातें भूल जाते, कमजोरी है उनके यारदास खत्म हो गए प्रभु, फिर से उनके जीवन में आशीष दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा वो करने पाए पिता। अंजना परमार के परिवार के लिए दुआ करते प्रभु जी, और उनके स्वयं के लिए प्रार्थना करते उन्हें आशीष दे प्रभु जी। मधुलता के लिए बिजनेस के लिए उनका लेवल वो अच्छा अचीव कर पाए, आगे बढ़ पाए, ताकि तेरी महिमा हो प्रभु जी। जैनी माइकल के लिए दुआ करते, उनके पास जॉब नहीं है प्रभु, उनकी जॉब पर आशीष दे पिता परमेश्वर। मानसी शाह के लिए प्रार्थना करते, उनकी सास जो मीरा जी है प्रभु, उनको स्किन की प्रॉब्लम है प्रभु, उनके उनके बच्चों के लिए भी हम दुआ करते हैं वो चंगी हो जाए प्रभु, उनके बच्चों को आशीष मिले प्रभु। राकेश सिंह की पत्नी सपना सिंह जो दुष्टात्मा से पीड़ित है प्रभु, उसे छुटकारा मिलने पाए परमेश्वर। राजू के लिए दुआ करते हैं, राजू माइकल के लिए कुछ पिछले महीनों से दोनों पैर नहीं चल पा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके पैर चलने पाए यीशु के नाम में। अनु योगी के लिए दुआ करते हैं, उनके पत्नी अनु के लिए दुआ करने के पति योगेंद्र कुमार की हेल्थ के लिए, उनका कर्जा चुकने के लिए प्रभु पिता आप उनकी सहायता करें। कोर के लिए दुआ करते, कोर एसपी के लिए, उनकी मम्मी पापा में लड़ाई और झगड़े रहते प्रभु पिता, वो झगड़े शांत हो जाए यीशु के नाम में। अनिल अलका के लिए दुआ करते हैं, अनिल अलका शर्मा के लिए, उनके परिवार के लिए परमेश्वर पिता। शिवा के लिए दुआ करते हैं, शिवा परमेश्वर, शिवा मुदलिर के लिए परमेश्वर, उनके पास जॉब नहीं है प्रभु। नरेश भाई के लिए प्रार्थना करते, उनको गुप्त रोग है प्रभु यीशु के नाम में, वो घातक रोग चला जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। सपना सेमल के लिए प्रार्थना करते, उनके ऑफिस में घर में प्रॉब्लम चल रही है, उनके ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपने हाथ को बढ़ा ले खुदावंद। रवि के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, रवि की पत्नी के लिए, रवि खालको की पत्नी मार्गरेट के लिए परमेश्वर पिता, उनके बेटे अनुभव के लिए परमेश्वर, उनकी स्टडी के लिए, उनकी जॉब के लिए तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अनीता के लिए, अनीता कुमारी के लिए, उनकी बहन निर्मल के लिए परमेश्वर, उनके उनके गुप्त स्थान पे परमेश्वर रसोली है और ऑपरेशन बोले प्रभु वो चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। रागनी वाल्टर के लिए दुआ करते, उनकी बेटियों को प्रभु और आत्मिक बनाए और वो आगे बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। इस समय लैंसी डिसूजा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे की आंख की चंगाई के लिए प्रभु, उनके परिवार को आशीष दे। रश्मि टोपो की बॉडी में इचिंग है प्रभु यीशु के नाम में वो चंगी हो जाए पिता परमेश्वर। और दिलीप लोधी के लिए प्रार्थना करते, उनकी पत्नी सुनीता को जिनको लिकोरिया की बीमारी है प्रभु यीशु के नाम में वो लिकोरिया की बीमारी चंगी हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने नाम लिए गए हैं प्रभु, जितनी प्रार्थना निवेदन आई है प्रभु पिता परमेश्वर, भरपूरी से परमेश्वर तेरी आत्मा को परमेश्वर अपने जीवन में रिसीव करे, चंगाई को रिसीव करे। आज तूने यही कह रहा है प्रभु, क्या तू चंगा होना चाहता है प्रभु, आज इन्हें इनकी दशाओं से बाहर निकाल, आज इनकी परिस्थिति बाहर निकाल पिता परमेश्वर, और ये चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर पिता,
मर्सी के लिए, मर्सी के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं, ईडन के लिए प्रभु जी, उनकी हेल्थ के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, सारा मैथ्यू के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, रागनी वाल्टर को तेरे हाथों में सौंपते हैं, माला सुनील जोजफ के लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, पिता परमेश्वर उनके लंग्स की जो प्रॉब्लम है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में खुद वो चंगे हो जाए, वो अस्पताल से जल्दी घर वापस आ सके पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो और पिता परमेश्वर बिल्कुल आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पिता सरिता के लिए दुआ करते हैं प्रभु, सरिता को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं आज परमेश्वर तू इन्हें यही चाहता है कि वो हां भरे और वो कहे हां प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, हां प्रभु मैं देखना चाहता हूं तेरे चमत्कार को, हां प्रभु मैं तेरी महिमा को देखना चाहती हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपोलाइन पिंटो के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में अपोलाइन को आजाद कर पिता यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, हालेलुया रबा शक्का दिलबा हालेलुया। सारे मैं क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती रहे, गो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस हालेलुया। आशीष सिंधु के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, जो पाकिस्तान से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनकी फैमिली के लिए, इनके कार्यों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, पाकिस्तान में जिस जगह पर ये रहते हैं प्रभु तेरा हाथ इनके जिंदगी में चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए, मैं इन्हें आशीष देता हूँ। रोजलिन अजमत के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनकी फैमिली के लिए प्रभु, उनकी फैमिली पर तेरी आशीष तेरा अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। अर्चना कुमारी को तेरे खून में छिपाते प्रभु, जितने भी परमेश्वर गुप्त रोग है वो चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। और अब शखा दिल खंदर लबा जिरले भी हालेलुया प्रभु तेरी महिमा हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता तेरी महिमा हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता तेरी स्तुति हो। बासु मात्रे को प्रार्थना में लाते हैं पिता परमेश्वर, तेरे आगे लाते हैं, तेरे सम्मुख लाते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी कमी घटी है वो दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। आज तो इनके जीवन में आए, आज तो इनके स्थानों पर आए, आज तो इनकी उस दुर्दशा में आए पिता परमेश्वर जहां पर ये पड़े हुए हैं, जिस दशा में है प्रभु जी तेरे वचन में लिखा मैं अपने वचन को भेज करके उन्हें चंगा करूंगा, ओ जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनमें से मैं उन्हें निकाल लूंगा। तो वही परमेश्वर है जो बदला नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, जो इस समय परमेश्वर पीड़ित है बीमारियों से, जो सर्वाइकल की बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, जो दर्द से करा रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ गुरमीत के लिए प्रभु जी, पुष्पा गावड़े के लिए परमेश्वर, निरूपा राय के लिए प्रार्थना करते हैं, मंजुला डेविस के लिए प्रार्थना करते हैं, माला सुनील के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, इस समय दुआ करते हैं परमेश्वर तेरी दया इन सभी के ऊपर होने पाए यीशु के नाम में। कोकिल गोम्स को अच्छी हेल्थ से आशीषित कर पिता, हालेलुया प्रभु तू चंगा करने वाला प्रभु है, तूने उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, आज परमेश्वर तेरे वचन इनके जिंदगी में पहुंचे और वो कहे कि मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया चंगे हो जाए यीशु के नाम में, सारी बीमारियों को उतार फेंके अपनी जिंदगी से यीशु के नाम में, कहे बीमारी तेरा कोई अधिकार मेरे पास नहीं है, बीमारी से कहे मैं तुझसे नहीं डरता, बीमारी से कहे मैं तुझसे नहीं डरती क्योंकि यीशु ने तुझे नष्ट कर दिया है, मेरे यीशु ने उस बीमारी का कर्जा चुका दिया है, परमेश्वर को छुड़ौती का दाम मिल गया है, परमेश्वर कहता मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है, आप छुटकारे में जयजयकार करो। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू आपके छुड़ाने के लिए दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी आपके लिए दे दी है, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी चंगाई उंडेली है, आप चंगे हो जाएं, रिसीव करें। हालेलुया सर्वोदय के लिए दुआ करते प्रभु, वो परमेश्वर पे राठौर के लिए प्रभु, उनकी हेल्थ के लिए प्रभु, उनके उद्धार के लिए प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में इनका उद्धार हो, इन्हें चंगाई मिले प्रभु, सारी बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। अर्चना कुमारी की मदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है प्रभु, हड्डियों का रोग है, पीड़ा आती है पिता परमेश्वर, हर एक वो भाई हर एक वो बहन जो हड्डियों से पीड़ित है प्रभु, उनके घुटने दर्द करते हैं और उनके कंधे दर्द कर रहे हैं, शोल्डर दर्द कर रहे हैं प्रभु, सारा पेन यीशु के नाम में, ओ जीसस वी वर्शिप यू हालेलुया, तेरे कलवरी क्रूस पर चला जाए प्रभु जी, मेरे भाई चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, मेरी बहनें चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु यीशु मसीह तूने कलवरी क्रूस पर पिता परमेश्वर इनके लिए अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया प्रभु जी, ओ तेरा वचन बताते हैं प्रभु जी, तेरे उस टपकते हुए लहू से हमारा कर्जा चुका दिया गया प्रभु जी, तेरे उस लहू की धार से पिता परमेश्वर हमारी आजादी आई है प्रभु, तेरे वचन में लिखा प्रभु तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया तेरी महिमा हर एक की जिंदगी में आने पाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में,
इन जीसस नेम हालेलुया। प्रभु तेरी दया इनके जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं अपना अनुग्रह भरा हाथ दे पिता परमेश्वर, तेरी उपज इनके जिंदगी में आ जाए प्रभु जी, चंगाई दे, रिलीज योर कंज्यूमिंग फायर हालेलुया, रिलीज योर हीलिंग पावर हालेलुया। मुझे जो जो के लिए प्रार्थना, उसके बेटे के लिए प्रभु, पवन दीमान के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, अपना अनुग्रह भरा हाथ इनके जीवन में उड़े ले पिता परमेश्वर, तेरी महिमा इसी घड़ी हो जाए पिता परमेश्वर। तू दया कर, तू करुणा कर। जॉर्ज भाई की बेटी के लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिसको फीवर है वो चंगी हो जाए यीशु के नाम में। जितने भाई बहन दूसरे देश से देख रहे हैं प्रभु, जो बीमार हैं, जो पीड़ित है प्रभु, जो परमेश्वर पिता चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे प्रभु, और तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कर दे हाँ। परमेश्वर यीशु के नाम में इसी घड़ी उन्हें आजाद करें, हालेलुया, टोटल हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कन्हैया भाई प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? ठीक है जी ब्रदर, बताइए, आवाज कम आ रही, जोर से बोलिए थोड़ा ब्रदर। जो है अभी ठीक है। आप कहां से बात कर रहे हैं ब्रदर? उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से बात कर। लखनऊ से बात करें, स्वागत है उसम ग्रेस प्रार्थना भवन में आपका। बताइए ब्रदर जी, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सर मेरी दुआ करें, मैं जो है टाइफाइड हुआ है और पेट में थोड़ा बहुत दर्द रहता है। ओके, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, क्या आप विश्वास करते हैं अब चंगे हो जाएंगे? यस। आंखें बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे कहने के लिए परमेश्वर पिता, जिनको टाइफाइड हुआ है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से, आज इसी घड़ी में प्रार्थना करता हूँ, इसी घड़ी चंगे हो जाएं, टोटल हील इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस राइट नाउ, हालेलुया। ओ यीशु के नाम में सारी बीमारियों का नाश करता हूँ प्रभु, तू जगह जगह फिरता रहा और लोगों को चंगा करता रहा, हर दुर्बलताओं से छुटकारा दिया, हर बीमारी से छुटकारा दिया प्रभु। आज मैं तेरे दास होने के नाते तेरे बेटे को जहां लखनऊ में बैठे अपने घर में प्रभु, वहीं पर तेरी चंगाई को भेजते हैं यीशु के नाम में, टोटल हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जी। प्रभु तेरा बेटा चंगा हो जाए, इसके परिवार को आशीष मिले और अनुग्रह मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष करे, आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे जल्दी से, और बिल्कुल भी चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारे बीच में है। ब्रजी जी अपना फोन काट दीजिए उधर से, आपकी कॉल लगी हुई है, आप कॉल काट दीजिए, दूसरे लोग भी लाइन पर हैं, और हम धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, यू टेक चार्ज राइट नाउ। परमेश्वर पिता हर एक को छूले, जितने मेरे भाई मेरी बहनें जो यहाँ पर हैं प्रभु, हर एक को आशीष दे ताकि तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में। शिष्य जी प्रेज द लॉर्ड। शशि बहन क्या मसीह की, पास्टर जय मसीह की, शिष्य शशि कैसे हैं आप? जी ठीक हो जी, बताइए सिस्टर जी। मेरा जब मैंने बपतिस्मा लिया, मेरे घर वाले बहुत विरोध कर रहे हैं और हम दोनों 4 महीने से अलग है, प्लीज उनके लिए भी प्रे कर दीजिए आप। मैं दुआ करूंगा, शांति से रहिए, परमेश्वर के कामों को देखते रहिए, परमेश्वर ने कहा इनसे कहें कि शांत रहें, शांत रहें, प्रभु से उनका नाम लेके दुआ करें, अपनी शांति मांगे, रिलीज करें शांति को, आपके पास आशीष है, जिसे देंगे उसे लग जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ आपके पास शांति भी है, जब शांति बोलेंगे तो वो हो जाएगी, हालेलुया, दुआ करें सिस्टर जी। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, आई हम दुआ कर देते हैं इनके लिए, थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, बहन के लिए दुआ करते हैं, इनके परिवार में तेरी शांति आ जाए प्रभु, तेरा अनुग्रह आ जाए, सारे विपरीत परिस्थितियां विरोध को यीशु नासरी के नाम से हम बांधते हैं, ब्लड द बाइंड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में तेरी आजादी आ जाए प्रभु, और तेरा हाथ इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु, हम आपसे विनती करते, सहायता कर, मदद कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति होने पाए, खुदावंद यीशु के नाम में। नवजोत जी आपकी कॉल लगी हुई है,
नवजोत जी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे और आपके जीवन में अनुग्रह होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय संतोष कुमार के लिए, प्रभु संतोष कुमार को आशीष मिले परमेश्वर पिता, और तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। हम दुआ करते परमेश्वर पिता तेरे बेटे के लिए, तेरे बच्चों के लिए प्रभु जी, यीशु के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर आप इन्हें आशीष करें, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में। मुकेश जी धन्यवाद आपका, मुकेश जी आपकी कॉल लगी हुई है शायद, और चेक कीजिएगा, परमेश्वर आपको आशीष करे। हेलो मुकेश, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की फास्टर जी। जय मसीह की, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ फास्टर जी। मैं नाम मुकेश कुमार सर, मैं पंचकुला कालका से बोल रहा हूँ। जी पंचकुला कालका से, बताइए ब्रदर जी। फास्टर जी मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, मगर मेरे जो भी काम करता हूँ परमेश्वर में आशीष नहीं मिलती प्रभु जी। आप चर्च में जाते हैं, प्रार्थना भवन हाँ में जी जाते चर्च हैं में जाते हैं, मेरे पूरी और फैमिली भी साथ में है। ओके टाइट देते हैं अपना दशवांश। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके आप आंखें बंद करिए, मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं मुकेश भाई के लिए प्रभु जी, तेरा हाथ इनकी जिंदगी में चाहते हैं प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने अनुग्रह में ढांप पिता परमेश्वर, जो ब्लेसिंग नहीं आ रही है, जो दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ इसी घड़ी, ओपन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, एवरी डोर खुल जाए, हर एक दरवाजा खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु तूने कहा मैंने तुम्हें स्वर्ग के राज की चाबियां दी हैं, जिसे तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मुकेश की जिंदगी के हर एक ब्लेसिंग के रास्ते यीशु तेरे नाम से हम खोल देते इसी घड़ी। हालेलुया, प्रभु अपना अनुग्रह भरा हाथ इनके जीवन में उड़ेल दे पिता, दया कर अनुग्रह दे और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। ओके मुकेश भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको ब्लेस करे, जय मसीह की, जय श्री कृष्ण। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया रब शखदिलब, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेनू मोहंती जी आपका कॉल लगा हुआ है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप आशीषित हैं। हेलो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, जय मसीह की, प्रेज प्रेज द लॉर्ड। द लॉर्ड सिस्टर जी, बताइए कैसे हैं आप? हाँ आज तो मेरे को यूरिन में इन्फेक्शन हुआ, पेट में दर्द है और भारी भारी लग रही, क्योंकि मेरे मिस्टर नवरात्र कर रहे हैं ना, वो मानते नहीं है प्रभु को, मैं बहुत मानती हूँ, तो मुझे थोड़ा तकलीफ हो गया शरीर में। आप आंखें बंद करिए, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, आंखें बंद कीजिएगा। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी तेरी बेटी के माथे पर तेरा लहू लगाते प्रभु, इसी घड़ी छुई जाए, इसी घड़ी चंगी हो जाए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में हर एक बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर, तेरी दया इनके जीवन में हो जाए, टोटल हील राइट नाउ, सारा बोझ इसी घड़ी उठा लिया जाए, इसी घड़ी चंगी हो जाए, इसी घड़ी परमेश्वर तेरी आजादी आ जाए प्रभु जी, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। चेक करिए, अभी चेक करिए अपने आप को, तो आपकी बेटर फील हो रही। और एक बात सर, कल बेटा का कंप्यूटर का एग्जाम है, तो कल मॉर्निंग में 7:30 बजे दुआ करना उनके लिए आपके बाथरूम में, और मिस्टर रजत के लिए दुआ करते रहना कि वो प्रभु में विश्वास करे। वो मेरे को हर घड़ी धमकी देते हैं, फोन पे डराते हैं ऐसा। उनको पंजाब वाला प्रोजेक्ट मिलने वाला है, वो प्रोजेक्ट मिल जाए इसके लिए दुआ करना। प्रभु आपके साथ है, डरिए मत, हम दुआ करेंगे, ठीक है, दुआ करेंगे। जय मसीह, ओके, जय मसीह।